top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. दूसरा एक निर्णय किया, वो भी ये महत्वपूर्ण रहा है कि हम लोग 20,000 करोड़ रुपए हर साल अगर डैम राज्य सरकार बनाती है तो जो कैनाल सिस्टम है वो प्रिफरेबली पाइप से पानी लेके जाए क्योंकि पानी की दिक्कत है। तो उसके लिए हमने और उसके लिए करीब 4 साल में हर साल 20,000 करोड़ 80,000 करोड़ की प्रोविजन पहली बार इस साल के बजट में हुई है। ये दोनों योजनाएं अगर ठीक से होती है तो 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आ सकती है और जिससे कृषि उत्पादन कम से कम 2 गुना बढ़ सकता है। इसके साथ ड्रिप को भी करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ड्रिप के बारे में ऐसा हुआ कि पिछले 3 साल की जो सब्सिडी थी वो पुराने सरकार ने दी नहीं, तो कंपनी वाले जो आए वो भी अभी 100 रुपए की कीमत 150 रुपए करते हैं क्योंकि उनको साल भर सब्सिडी मिलती है। अब हम लोग पीछे लगे हैं कि ये सब्सिडी जैसे हमारे यहाँ जो जनधन योजना में जो बैंक अकाउंट खुले हैं जो एक समय 3.5 करोड़ थे 21.80 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं। और मैं बीच में एक प्रेजेंटेशन मैंने देखा, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि शिष्यवृत्ति में, पेंशन्स में, सब्सिडीज में और रेशन कार्ड में अगर बोगस निकाला जाएगा तो इस देश के अभी तक 40 से 45 हजार करोड़ बचे, 1 लाख करोड़ बचे। मैंने हमारे एक ऑर्डर निकाला कि सब पोर्ट पे जो पेंशन मिलती है वो जनधन योजना के अकाउंट में जमा होगी। तो कलकत्ता पोर्ट में 82% लोगों ने पेंशन उठाई, 18% लोगों ने उठाई नहीं। उसमें कुछ लोगों की उम्र 102 साल 103 साल 104 साल थी, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि योजना में क्या होना। हरियाणा में शिष्यवृत्ति जब मिलने लगी तो बहुत से नाम बोगस बाहर आए कि जो नाम ही नहीं थे। गैस सब्सिडी में यही हुआ, जो सब्सिडी का गैस सिलेंडर है वो रेस्टोरेंट में और 5-स्टार होटल में जाता था और रेशन कार्ड में हर राज्यों में यही हुआ है। और रेशन कार्ड में इतने बोगस रेशन कार्ड है हर राज्यों में निकल रहे हैं, इससे अगर पूरी बचत अगर इस प्रकार से अगर हमारी सिस्टम को हमने अगर ये बैंक अकाउंट के साथ जनधन के साथ जोड़ दिया जाए तो मुझे अब लग रहा है कि 1 लाख करोड़ केवल इसके बच सकते हैं। करने वाला की क्लास कम नहीं है। अभी देश में जितना पानी आता है उसमें 70% पानी ये समुद्र में चला जाता है, 10 से 15% पानी जो होता है वो लेक और डैम में जाता है और 10 से 15% पानी का वाटर कंजर्वेशन होता है। अब वाटर कंजर्वेशन के बारे में यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे देश में जो रॉक और लैंड के जो अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स है उसका अध्ययन करके वाटर कंजर्वेशन के बारे में काम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ये काम किया गया, विशेष रूप से हमारे शिरपुर में धुलिया जिले में, वहाँ खानापुरकर करके एक जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उन्होंने जो जानकारियाँ दी उसके बाद में हमने भी इसका उपयोग किया। आपको पता होगा कि जियो फॉर्मोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी और मिनरोलॉजी अलग अलग प्रकार के हैं और मुझे थोड़ा सा जानकारी है वो जियोलॉजी में, मिनरोलॉजी में एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है,